ताकि इनको बाहर भी निकालता हूँ ताकि थोड़ा सा देख सकूं कि भाई ये क्या सेटिंग है इन लोगों की, क्योंकि भाई अब इनको बंद करके भी हमने देख लिया, इनको खोल के भी हमने देख लिया। दोस्तों यार एक बैड न्यूज रखा हुआ भाई की आई यार, ये जो हमारे शहजादी शहजादी के अंडे टूटे हैं ना, तो ये समझ लें बैड न्यूज थी। बाकी चलने वलने में भी काफी अच्छा होगी, अभी कमी है, अभी फुल 100% सेट नहीं हुआ है, लेकिन ये कि भाई आप देखो उड़ रहा है, सब शेल बन रहा है ना वो थोड़ा सा वीक बन रहा है कि भाई कैल्शियम की कमी है, तो थोड़ा बहुत इनको जो है ना कैल्शियम डी के वो आते हैं कैप्सूल्स में, वो देता हूँ। ऊपर देखे तोड़ दिया था मैंने, फील तो मुझे यही हो रहा है क्योंकि हमारा अंडा टूटा होता तो इन्हीं का होगा, तो दोबारा देखते हैं, दो तीन दिन देखते हैं भाई देते हैं तो ठीक है। बट देखिए दोस्तों इसका ना ये सीन है, माशाल्लाह से कितना क्यूट लग रहा है, वो देख के ऊपर ही रहता है ये, तो ये देखें ये कल दो में हमारे हमने कल बंद कर दिए थे, तो ये रहे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत 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 ज़्यादा खैरियत से होंगे, खुश खुदा होंगे, अपने भाई को दुआ में जरूर याद कर रहे होंगे। तो भाई दोस्तों हमारे शॉर्ट न्यूज में जो सीन चल रहा है ना, वो पता नहीं क्या एक दिन अच्छा जाता है दूसरे दिन फिर कोई बैड न्यूज मिल जाती है, तो पता नहीं कौन सा सीन चल रहा है। कल देखिए हमने इनको बंद कर दिया था क्योंकि उसकी वजह ये थी कि परसों हमें लगा था, हमें फील हुआ था कि भाई अंडे इसने ऊपर अंडा दिया था जो कि गिर के टूटा हुआ दिख गया था हमें, तो हमने इनको बंद किया था। अब क्या है, अंडा तो तोड़ चुके हैं ये, तो अब पता नहीं कब देंगे। अच्छा एक तो सीन ये हुआ, दूसरा फिर एक और बैड सीन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके साथ साथ एक और बैड सीन हो गया दोस्तों, उसका भी अब समझ नहीं आ रहा करें क्या। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि बैड सीन हुआ क्या, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि यार उसका करें क्या। बैड सीन दोस्तों ये है कि भाई हमारा जो हमारे शहजादा शहजादी साहिबा जो है ना, इन दोनों ने सीन क्या करा है कि अंडा देखें तोड़ दिया, आपको दिख रहा होगा एकदम पिचका हुआ अंडा पड़ा हुआ है, एकदम पिचका हुआ अंडा पड़ा हुआ है, तो वो इन्होंने तोड़ दिया है भाई। इन्होंने जो है ना ये देखें दोस्तों, ये देखें हॉल पड़ा हुआ है एकदम फटो, ये देखें ये पड़ा हुआ है बिल्कुल टूटा हुआ अंडा पड़ा हुआ है, इन्होंने एक पहले तोड़ दिया था, दूसरा इन्होंने अभी तोड़ दिया। तो भाई दोस्तों समझ नहीं आ रहा क्या करें, फिलहाल मैं इनका बॉक्स खोल रहा हूँ ताकि इनको बाहर भी निकालता हूँ ताकि थोड़ा सा देख सकूँ कि भाई ये क्या सेटिंग है इन लोगों की, क्योंकि भाई अब इनको बंद करके भी हमने देख लिया, इनको खोल के भी हमने देख लिया, तो अब ये क्या डिसाइड करना है कि भाई हम इनका करें क्या। तो चले पहले इनको बाहर निकालते हैं, आ जाओ आओ 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 दोस्तों हमने इनको बाहर निकाल लिया क्योंकि अंदर यार ये गंदे भी हो गए हैं पड़े पड़े ना, तो अब मैंने सोचा इनको फिलहाल तो बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि अभी इनको अंडा देने में कुछ दिन लगेंगे। अच्छा पहले क्या था, ये पहले जो इनको मार रहे थे ना ये, तो अभी थोड़ी देर हम ये सर्च करेंगे ये इनको मार रहे हैं या नहीं मार रहे, अगर नहीं मार रहे होंगे तो इनको खोलेंगे, वरना फिर डिसाइड ये कर रहे कि भाई मुखी को बंद कर देंगे क्योंकि इन्होंने अंडे दिए हैं, तो इनको हम बंद भी कर सकते हैं क्योंकि ये मुखी जो है ना, मुखी नॉर्मली लोग जो है वो बॉक्स में बंद करके ही रखते हैं, मैं तो कॉलोनी में खोल देता हूँ, वरना येलो मुखी तो खास तौर पे लोग जो है ना बॉक्स से बंद करके रखते हैं, उसकी वजह ये होती है कि भाई क्रॉस ब्रीड ना हो जाए, कभी कभार ऐसा होता है ना कि भाई क्रॉस ब्रीड भी हो जाती है, तो इसलिए लोग बंद करके रखते हैं। तो भाई अभी थोड़ी देर हम सर्च करते हैं शहजादा शहजादी को कि भाई इनका क्या सीन पार्ट चल रहा है। अंडे देखें इन्होंने तोड़ दिए यार, वो देखें बिल्कुल पिचका हुआ पड़ा हुआ एकदम, आप देखो यार ये देख रहे हो पिचका हुआ पड़ा हुआ एकदम। यार शहजादा शहजादी क्या कर रहे हो यार, तुम दोनों ने क्या हरकत करी है यार शहजादा शहजादी, ऐसे थोड़ी होता है। तो भाई दोस्तों हमारे शहजादा शहजादी ने दोबारा से अंडे दोनों तोड़ दिए, पहली दफा में तो इन्होंने एक ही दिया था वो तोड़ दिया था, अब दोबारा इन्होंने दो अंडे दिए थे, पहले एक टूटा हमने बोले शायद दोबारा की सेटिंग दूसरा संभाल लेंगे, तो इन्होंने दूसरा भी तोड़ दिया। अब थोड़ा सा देखना ये पड़ेगा जब ये अंडे दे रहे हो ना उस टाइम पे नेस्टिंग की सेटिंग करनी पड़ेगी ज्यादा, शायद बच जाए, या फिर ये कि इनका जो एग शेल बन रहा है ना वो थोड़ा सा वीक बन रहा है कि भाई कैल्शियम की कमी है, तो थोड़ा बहुत इनको जो है ना कैल्शियम डी के वो आते हैं कैप्सूल्स में, वो देता हूँ। तो देखें अभी ये बाहर तो इनको बड़े मजे आएंगे, इनके बड़े दिनों बाद ये बाहर निकले घुल मिल जाएंगे थोड़ा सा, और अगर लड़ ले होंगे ना तो बड़ा मसला करेंगे क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसने देखें अंडे इसने भी दिए हैं। तो अब मेरे ख्याल से जो है फिलहाल तो मैं इनको खुला रखता हूँ, लेकिन ये कि शाम के टाइम पे नज़र मार के ना इनको क्या करेंगे, इनको हम बंद कर देंगे। दोस्तों अभी तो चलते हैं, फिलहाल अभी मुझे ये दिखा दे, तो मैंने सोचा यार आप लोगों को ये दिखा दूं कि भाई हमने शहजादा शहजादी को खोल दिया था, तो अभी मैंने आके जो है ना इनको छुटकू गैंग को दाना डाला है। अच्छा इसमें सीन क्या है दोस्तों, ये छुटकू गैंग जो है ना हमारा ये वाला जो आगे वाला है ये इन लोगों को मार रहा है, इसको मैंने बाहर निकाला, देखें इसके भी इसने जख्म बना दिए। अच्छा इनको कोई भी चीज दिखाना है, ये लगते हैं खाने के लिए, तो इनको फिलहाल मैंने दाना डाला है और इसको मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि इसके जो ये जख्म बना दिया यार इसने, मेरे को लग रहा पता नहीं क्या हो रहा है, ये वाला जो है ना ये इनको मार रहा है, ये खुद सही है, उसको भी छीन दिया इसने, उसको भी छीन दिया। यहाँ तो सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं यार, तो मतलब मिक्स छोड़ना मुनासिब नहीं है, तो कोशिश करके जल्दी से इनके लिए अलग सा केज बनाते हैं ताकि, लेकिन मसला ये है तो आपस में लड़ रहे हैं ना इन कबूतरों, तो एक अलग बात है तो आपस में लड़ रहा है, वो जो है ना एक मार रहा है, तो अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा क्या करूं, देखते हैं कोई ना कोई सेटिंग बनाएंगे। मैं उसको छोड़ा है ना मैं अंदर, वो दाने के लिए बंद करें तो वो उसको चोंच मार मार के ना उसके जख्म की सेटिंग पे जहाँ जख्म बन रहा है ना वहां पे उसने मार मार के जो है वो उसको फाड़ दिया पूरा यार, जख्म तो नहीं बना था इसी ने, वो खाल थी ना खाली, खाल को चोंच मार रहा है, पता नहीं उसको क्या खून खाने के आ जाते हैं, आदमपुर बनेगा क्या ये। तो हमारे कल तो में देखें बनी है, अभी इनको हम दाना वाना डालेंगे, आप
तो इन्होंने इनके अंडे तो देखे, इन्होंने वहां पे ऊपर देखे तोड़ दिए थे। फील तो मुझे यही हो रहा है क्योंकि वहाँ अंडा टूटा होगा तो इन्हीं का होगा। तो दोबारा देखते हैं, दो तीन दिन देखते हैं भाई देते हैं तो ठीक है, वरना फिर ये कोशिश करूंगा कि इनको इसी बॉक्स में खोलने की सेटिंग बनाऊं ताकि ये इसी बॉक्स में जाने वाली सेटिंग बन जाए, शायद सेट हो जाए। खोलेंगे तो अंदाजा होगा कि भाई इस बॉक्स में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। पेयर तो देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त पेयर है यार, इसकी तो लुक बात ही अलग है। इसकी जल्दी से ये ब्रीड करें ना तो थाने थोड़ा सा आसरा होगा यार। दोस्तों जल्दी से ये ब्रीड क्यों नहीं कर रहे? बाकी यार पता नहीं क्या हो जाता है, एक दिन अच्छा दो दिन खराब। कबूतरी ने माशाल्लाह बच्चे बड़े करे हुए हैं और इनके अभी तो दाना डला, दोपहर का दाना डला हुआ है तो माशाल्लाह से अभी भी इनके पेटों में थोड़ा थोड़ा दाना है, हालांकि अभी दाना डलेगा। अच्छा कलर देखें इनके, येलो कलर अब निकलना थोड़ा थोड़ा जो है ना वो हो गया है। अच्छा ये ऊपर से मुझे देख लो कि मैं देखो ये बैठी और माशाल्लाह से अभी डॉन के बारे में भी आपको बता दूँ। ये देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं यार। ये कि अभी 4-5-6 दिन लगने हैं इनके पूरे पराने में, नीचे वीचे अभी आना स्टार्ट होगा यहाँ पर। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, मैं आपको एक बाहर निकल के भी दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों इसका ना ये सीन है माशाल्लाह से कितना क्यूट लग रहा है वो, देख के ऊपर ही रह रहा है ये दोस्तों। ये देखें दोस्तों, जब इनके पर पूरे निकल जाएंगे ना तो इसने ताड़ लिया मुझे, उसने देख लिया मुझे तो मैंने बच्चे को अंदर रख दिया। ये देखिए फ़ौरन आ गई ये, और शहजादा हमारे शहजादे की मस्तियाँ स्टार्ट हो गई खुलते ही। चलो यार अच्छा हो गया इनको खोल दिया मैंने, क्योंकि ये कबूतर है ना मतलब इतने बड़े कबूतर हैं तो इनका लुक अलग ही लगता है यार खुले रहते हैं। तो शहजादे की बात ही अलग है, आप देखो जो उसका लुक देखो यार माशाल्लाह। शहजादा को फिर साफ सुथरा, शहजादी ने अंडा तोड़ा है ना तो नीचे से पूरी गंदी हो गई है साहिबा, पूरी गंदी हो गई है। तो ये भी सही लगा मुझे, खैर इनका लुक देखें आप, लाहौरी शराजी हो और फिर जंबो साइज के जर्मन ब्रेड लाइन के हो और ऊपर से बार में भी हो तो क्या बात है इसकी। देख रहे हैं क्रीम बार लाहौरी शराजी हमारा ये जिसको हम शराजा कहते हैं, क्या लुक है यार इसका माशाल्लाह से। अच्छा अंडे दे चुके हैं लेकिन अभी तक ग्रीड नहीं करी है इन्होंने कह सकते हैं, तो साइज और बढ़ रहा है इनका माशाल्लाह से। बाकी मादी का भी लुक देख सकते हैं आप, ये बार्डलेस है ना, पहली बार बार्डलेस है ये माशाल्लाह से लुक देखें। बाकी इनके बच्चे जो हैं ये दोनों ओके के रिपोर्ट में माशाल्लाह से। और डॉन को हमने अभी मेडिसिन वगैरह आज की देनी है, अभी दी नहीं हमने, बड़े दिनों बाद ये निकल के ऊपर बैठी है वरना बंद थे ये भाई, काफी दिनों से बंद थे। तो लुक तो देखें आप इसका, शहजादा तो हमारा भारी हो गया होगा ठीक ठाक। भाई डॉन की कंडीशन आपके सामने देखें, अरे यार डॉन का सीन ये है दोस्तों, डॉन देखें दोस्तों आपके सामने माशाल्लाह से काफी अच्छा कैसा भी। अभी आज की मैंने मेडिसिन अभी करी नहीं है, इसकी आज की मेडिसिन अभी रह गई है। और आप इसका लुक देखें माशाल्लाह भाई, फुल चलने वलने में भी काफी अच्छा हो गया, अभी कमी है, अभी फुल 100% फैट नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि भाई आप देखो उड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आप ये देखें यार, लगवा हुआ कबूतर जिसकी कंडीशन ऐसी थी कि हमें लग रहा था अगले दिन ये मर जाएगा, और माशाल्लाह से इस टाइम पे ये देखें कितनी मस्तियां कर रहा है, खड़ा हुआ है सबके साथ है और उड़ रहा है। टांगे इसकी बस हल्की सी थोड़ी सी कमजोर है, अभी टांगे भी सेट हो जाएंगी, क्योंकि हमने इसको कैल्शियम के भी मैंने इसको जो है ना सोचा है कि भाई वो दे दूंगा कैल्शियम डी के, उससे टांगे वगैरह और मजबूत हो जाती है। वैसे तो माशाल्लाह ये बिल्कुल 100% ओके हो गया है, दो दिन से हमें इसको खोल रहा हूँ, दो दिन हो गया आपने देखा, दो दिन दूसरा दिन समझ लिया हो गया आप, जब से हमने इनको बंद करा है तो इसको हमने खोल दिया। और थोड़ा सा डर रहा था हमें पहले दिन दूसरे दिन, लेकिन ये कि सेट है माशाल्लाह, फैट है तो भाई अच्छी बात है। अब ये सेट है ना तो मुझे टेंशन नहीं। डॉन की जो मुझे फिगर थी ना दोस्तों वो ये थी कि मैंने इसको खोल दिया है, दो फिक्रें थी मुझे, एक तो ये थी कि ये अगर खाने में तो जा रहा था, खाने में जा रहा था बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए, एक ये फिक्र थी कि बच्चों का, दूसरा ये फिक्र थी कि बच्चों को ओवर मतलब दाना ना खिलाए, अपना दाना अगर एक्स्ट्रा खिलाया कहीं दाना खिलाने के बाद ये वीक ना हो जाए। अच्छा इसको मैंने अपने खुद से तो दाना खिलाते हुए अभी तक देखा नहीं है, लेकिन ये कि अगर खिला भी रहे ना तो ये खुद तंदुरुस्त है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी मादी की तो बात ही लगे, देखें अब माशाल्लाह ये मादी के पीछे पीछे घूम रहा है ना, इसका मतलब ये है कि भाई ये दोबारा से जो है ना नेस्टिंग और ब्रीडिंग की सेटिंग में आ जाएंगे। जबरदस्त है भाई दोस्तों माशाल्लाह, अगर ये पेयर अंडा देते रहेगा तो हम कोशिश यही करेंगे इसके नीचे किसी दूसरे के अंडे हम रखते चले जाएंगे। तो डॉन सेट हो जाए तो क्या बात है, डॉन हमारा बहुत ओके की रिपोर्ट है। बाकी कल्लू मैं कितना जबरदस्त लग रहा है ना, पिंजरे के अंदर भी बंद हो गए भी ये भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत इनकी जो बात है वो बहुत बात ही अलग है यार दोस्तों। बाकी हमारा मुखी ने अंडे दिए हैं, मेल अभी इस टाइम पे मेल बाहर है, फीमेल अंदर है, मतलब नॉर्मली इस टाइम पे जो है मेल होता है बाहर। देखिए फीमेल साहब अंदर बैठी हुई है, तो इनका लुक आपके सामने है, अभी तो एकदम ये वो हो गई है तरीके से जो है ना शुकड़ के बैठी हुई ना। बाकी दोस्तों लगा रेड टेल का तो आपको कल हमने देखा था, क्या कहते हैं अंडे जो थे उनके अभी मतलब हैं। अच्छा रात में आना हो नहीं रहा, इंटर होके ना रात में अंदाजा ये हो जाएगा कि भाई अंडे, लेकिन अब ये काफी दिन हो गए इसके अंडे में, बच्चे मेरे ख्याल से इन 2-4 दिनों में निकल जाने चाहिए, अगर निकल गए तो निकल जाएंगे वरना फिर अंडे खराब होंगे, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो कुछ तो इंशाल्लाह उम्मीद तो करेंगे कि निकल जाए, बाकी जहां तक बात है अगर नहीं भी निकलेंगे तो कोई मसला नहीं, फर्स्ट ब्रीड हमारे घर में आई करिए, हमें तो हैरत खुश हो जाना चाहिए कि भाई हमारा वो रेड टेल का जो नर था, ये तो खैर मादी है, नर अभी अंडों पे बैठा हुआ है, रेड टेल का जो हमारा नर था
उस वो भाई बीमार था, रेड टेलीगन हमारा बीमार था, उसको हमने तकरीबन 15 से 20 दिन हमने उसको खुद अपने हाथ से दाना खिलाया, मेडिसिन वगैरह खिलाया, उसके बाद जाके एकदम से वो सरप्राइज जो ना, एक दिन जब मैं आया हूँ तो खुद ही दाना खाया मुझे, तो मैं तो मतलब वो हो गया था कि यार मतलब 2-4 दिन कबूतर दाना नहीं खाता, खाने लग जाता है, 15 दिन तक नहीं खाता मैं तो मतलब उसकी आदत ही खत्म हो गई, लेकिन फिर एक दिन एकदम ऐसा सरप्राइज दिया मैं आया हूँ तो वो दाना खा रहा था, फिर उसके बाद से मैंने उसको दाना खिलाना छोड़ा, उसके 2-4-6 दिन बाद वो यार मादी ने अंडे भी दे दिए, आप ये देखो यार, और मादी ने मतलब कबूतर हमारा बीमार कंडीशन उसकी बिल्कुल खराब, उसके बाद वो ठीक हुआ, उसकी मादी ने अंडे दे दिए, अब अंडे जो है उनमें क्या कहते हैं बच्चे निकलते हैं या बनते हैं या नहीं ये हमने नहीं देख पाए, अंडों के कलर से तो लग रहा था कि भाई अंडे में बच्चे हैं, लेकिन फिर भी ये रात वो लाइट दबा के हम लोग रात में चेक करते हैं वो नहीं कर पाया मैं, तो खैर दोस्तों 2-4 दिन में अंडाता हो जाएगा, निकलते हैं तो ठीक, नहीं निकलते हैं तो भी ठीक है यार, सेकंड टाइम पे निकल जाएंगे, बाकी ये है कि उधर आपको पता है शैतान कबूतरी और शेरू के बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे डॉन और डॉनी कबूतरी के मुखी के बच्चे आए हुए हैं, मुखी ने हमारे अंडे दिए हुए, शैतान कबूतरी अंडे दिए हुए, डीनो ने शहजादा शहजादी ने हमारे कांगे शहजादी वो बैठी हुई शहजादा साहब ये रहे, इन दोनों ने अंडे 2 दफा दी के भाई खराब कर दिए हैं, चलो खैर होती है वो भी खैर है, कोई मसला नहीं है, मसला नहीं है, चलता है जितना तो चलता है, अब बड़े दिनों बाद ये खुले हैं तो ये थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे, वैसे कबूतर यार कम से कम इस केज में खुला हुआ तो हो, लेकिन मजबूरी होती है बंद करना क्योंकि आगे सर्दी है थोड़ी सी, और फिर ये आपस में जो लड़ते हैं ना थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से मैंने इनको बंद करा था, तो अब जहाँ तक मेरा आइडिया है 10 दिन हो गया है तो अब ये भूल गए होंगे वो लड़ना वड़ना, तो इनको हम फिलहाल खुला छोड़ देंगे भाई दोस्तों, तो आप लोग जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो जाएं चैनल सब्सक्राइब करें, उसके बाद ये कि लाइक और कमेंट्स भी कर दीजिए, कमेंट्स करके जरा बताइएगा आपको हमारे कौन सा कबूतर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, हमारा कौन सा बर्ड सबसे अच्छा लगता है, कबूतर है, जावा है, फिंच नहीं है सॉरी वो फिशर है, चेरी है, और हमारे छोटे से चूड़े जिसे हम कहते हैं छुटकू गैंग, ये है, तो आपको इनमें से कौन सी चीज़ ज्यादा अच्छी लगती है, बाकी कुछ चीज़ें हमने और लानी है, तो थोड़ा सा सर्दी की वजह से मैं रुक गया हूँ, मुझे बाहर केज बनाना था उसकी वजह से भी थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ, दूसरा थोड़ा जो सर्दी जो बढ़ी है ना मैं सोच रहा हूँ यार ये महीना जो है मैं निकाल के कुछ जो भी करना है, क्योंकि सर्दी में हम चीज़ें लेकर आएंगे ना मर जाएंगे, मेरे को सिर्फ देखिए मैंने छुटकू गैंग को इस केज के अंदर छोड़ा है तो मुझे आइडिया हो गया, नहीं यार जैसे मोस्टली लोगों ने छोड़े होते ना पिजन्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके छोड़ी होती हैं तो सही नहीं है, क्योंकि फिर वो लड़ेंगे मरेंगे, छोटा जो जानवर होता है ना फिर वो दबता है और मरता है, तो नहीं यार जो भी करो सबके लिए अलग अलग बनाओ, अलग अलग बनाओ, एक जगह पे एक ही चीज़ रहे वो ज़्यादा बेहतर रहता है, आप बड़े केज में ऐसा कर सकते हो कि भाई छोटे छोटे केज रख के उनको अलग रख सकते हो, लेकिन एक साथ छोड़ना अकलमंदी नहीं है, कबूतर लड़ते हैं ये छोटे से चूहे हैं यार, ये कबूतरों से लड़ रहे हैं आप सोचो यार, और दूसरी चीज़ों का क्या होगा, खैर तो चलो दोस्तों आप लोग जाके चैनल जल्दी सब्सक्राइब करो, माशाल्लाह यार इसको देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है, उसकी वजह दो है कि भाई माजी अकेले इसने अकेले इनको पाला, डॉन माशाल्लाह हमारा आप देखो यार लकवा कबूतर था, इसको लकवा हुआ है तकरीबन 10-12 दिन पहले और माशाल्लाह से एकदम खड़ा हो गया, ये क्या बात है इसकी माशाल्लाह दोस्तों, क्या बात है। तो आज की वीडियो ये थी हमारी, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत 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 ज्यादा खैरियत से होंगे, खुश हो रहे होंगे और अपने भाई को दुआओं में जरूर याद कर रहे होंगे, तो दोस्तों आप लोगों से कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज दोस्तों यार एक बैड न्यूज अच्छा है क्या यार, ये जो हमारे शहजादी के अंडे टूटे हैं ना तो ये समझ ले बैड न्यूज थी, बाकी हमने इनको भी बंद करा, इनके भी अंडे टूटे हैं वो भी बैड न्यूज, तो खैर चलता है, बाकी हाँ अच्छी बातें भी हैं, जहाँ बैड न्यूज है कि भाई उस माती ने अकेले बच्चों को खिला रही है, हमारा ये जो डॉन कबूतर है माशाल्लाह देखें इतना ऊपर, आज तो फुल ऑफ एक्टिव चल रहा है, इधर उड़ा उधर देख रहे हैं माशाल्लाह, वरना ये होता था ना इतना थोड़ी था, ये फुल एक्टिव होता है, खोल दो ना कबूतर को तो ये होता है, लकवा कबूतर आप खोल दो तो उसकी पोजीशन ऐसी हो जाती है, बाकी शहजादी को मैंने खोला है लेकिन नीचे से ये गंदी हुई थी, लेकिन ये कि कुछ दिनों में सेट हो जाएगी, अच्छा हो गया मैंने खोल दिया, ये गीली गीली हो रही है, देख रहे नीचे से यहाँ से गंदी हो रही है, वाइट जो है ना पूरा पीला पीला हो रहा है, चलो भाई चलो।